हेलो फ्रेंड्स, लास्ट 15 नंबर वीडियोस के अंदर हमने बायो मॉलिक्यूल एंड एंजाइम्स टॉपिक स्टार्ट किया था, और लास्ट में हमने फैटी एसिड हमारा टॉपिक चल रहा था। और फैटी एसिड्स के अंदर हमने ये देखा कि फैटी एसिड एक्चुअल में क्या है। ये कार्बन एटम्स के यूजली कंपाउंड होते हैं, और मेनली इसमें इवन नंबर के जो कार्बन का एटम्स होते हैं वो आते हैं, लाइक 14 to 24 तक। मतलब 14 कार्बन का एटम हो सकता है, या 24 नंबर कार्बन का बना हुआ एटम हो सकता है ना, मतलब सॉरी कंपाउंड हो सकता है। तो इसमें लगभग 14 to 24 तक एटम के कार्बन चेन हो सकती है फैटी एसिड्स के अंदर। और दो टाइप की हमने कल बात की थी, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की हमने कल बात कर ली थी। सैचुरेटेड वो होते हैं जिनके अंदर आपको सिंगल बॉन्ड मिले, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जिनमें आपको एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड आपको मिले। ठीक, कल हमने सैचुरेटेड एसिड की तो फार्मूला की बात कर ली थी। आज हम बात करते हैं एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो कॉमन नेम इसमें कल याद कीजिए, कल सैचुरेटेड के अंदर हमने बात की थी कैप्रिक, लॉरिक, मिस्ट्रिक एसिड, पामेटिक एसिड, स्टीरिक और एक्रिडिक एसिड्स। और आज हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड के अंदर पालमीटोलिक एसिड, ऑयलिक एसिड, लिनोलिक एसिड, लाइनोलिनिक एसिड और एराकिडोनिक एसिड। तो इनके आपको एम्पिरिकल फार्मूला याद करने हैं। ये बार बार लिख लिख के याद होंगे, ऐसे नहीं होंगे, ये आप इनको बार बार लिखिए। जैसे पालमीटोलिक एसिड का कितना है, C16H30O2। ऑलिक एसिड का C18H34O2। लाइनोनिक एसिड का C18H32O2 और लाइनोनिक एसिड का C18H30O2 और एराकिडोनिक एसिड का C20H32O2। ये इनके सिंबल हैं। तो इसमें आपको रेशियो बताया हुआ है ना। तो जैसे कार्बन का 16 है, उसके बाद यहाँ पर कार्बन 18 रेशियो में है, यहाँ भी 18, यहाँ 18 या 20 के अंदर। तो ये नंबर ऑफ डबल बॉन्ड के बारे में बात की है कि यहाँ पर आपको फर्स्ट वाले में पालमीटोलिक एसिड के अंदर एक ही डबल बॉन्ड मिलेगा, ऑयलिक एसिड के सिर्फ में भी एक, लाइनोनिक एसिड के अंदर दो, लाइनोलिनिक एसिड के अंदर 3 और एराकिडोनिक के अंदर 4 आपको डबल बॉन्ड देखने को मिलेंगे। आगे बात करते हैं, इफ़ आ फैटी एसिड हैज़ मोर देन वन डबल बॉन्ड, 2 इन लाइनोलिनिक एसिड एंड 3 इन लाइनोलिनिक एसिड एंड 4 इन एराकिडोनिक एसिड, तो इट इज़ सेड टू बी द पॉली अनसैचुरेटेड। अगर आपको किसी फैटी एसिड के अंदर एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड मिले, है ना, तो ऐसी कंडीशन क्या कहलाती है, पॉली अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर स्लाइटली मोर एविडेंट इन नेचर। नेचर में इनकी नंबर, इनकी संख्या जो है वो ज़्यादा है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की। मतलब सैचुरेटेड वो जिनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड मिले जिनके कंपाउंड के अंदर, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स वो जहाँ आपको डबल बॉन्ड मिले। और पॉली अनसैचुरेटेड कंडीशन क्या होगी, जब आपको डबल बॉन्ड का जो नंबर है वो एक से ज़्यादा बढ़ जाए। दो वाली कंडीशन ये है, तीन वाली ये है, और चार का एग्जांपल ये दिया हुआ है। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर स्लाइटली मोर एविडेंट इन नेचर देन सैचुरेटेड फैटी एसिड, स्पेशली इन द हायर प्लांट्स। तो हायर प्लांट्स में वो कहता है कि आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ऑयल आर रिच इन दी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। तो ऑयल के अंदर आपको अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा देखने को मिलते हैं, और इसीलिए इनके अंदर मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। इन हाइड्रोजिनेशन द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स बिकम्स सैचुरेटेड एंड ऑयल बिकम्स सॉलिड फैट। ये जो प्रोसेस है हाइड्रोजिनेशन, यहाँ पर क्या है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो है वो बिकम सैचुरेटेड, बाद में वो सैचुरेटेड हो जाते हैं और जो ऑयल है वो सॉलिड फैट में कन्वर्ट हो जाता है। फैट इज़ मॉलिक्यूल यूज्ड बाय द मोस्ट एनिमल फॉर लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज। तो एनिमल के अंदर जो फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफ़ी लंबे समय तक के लिए एनर्जी स्टोरेज के फॉर्म में काम करते हैं। रिच सोर्स ऑफ पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स इन दी डाइट इज वेजिटेबल ऑयल, राइट। सनफ्लावर ऑयल इज रिच इन दी लाइनोलिक एसिड एंड मिनिमम फैटी एसिड कंटेंट इज इन कोकोनट ऑयल। मस्टर्ड ऑयल इज़ वन ऑफ द मोस्ट अनसैचुरेटेड। तो ये इन चीज़ों को आप एग्जांपल्स को याद करें और याद ध्यान में रखें। अब बात करते हैं एसेंशियल फैटी एसिड। एसेंशियल का मीनिंग होता है जो जिनकी जो बॉडी के अंदर ना बने, खुद हम उनको फॉर्मुलेट नहीं कर सकते। दीज सर्व एज ए प्रिकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ
प्रोस्टाग्लैंडिन, हमारी बॉडी में जो प्रोस्टाग्लैंडिन बनने के लिए ये जो फैटी एसिड्स हैं हैज़ ए प्रिकर्सर। प्रिकर्सर का मतलब होता है कि जो किसी चीज़ को बनने के लिए, जैसे अगर मैंने घर बनाना है तो घर बनाने के लिए जो मेरे पास रॉ मटेरियल लाइक ईंट, कंकड़, बजरी, पत्थर, ये जो है ये प्रिकर्सर की तरह काम करते हैं, वैसे प्रिकर्सर की तरह काम कर रहे हैं ये फैटी एसिड्स इनके लिए, प्रोस्टाग्लैंडिन के लिए। दीस एसिड्स आर सम पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन द एनिमल बॉडी एंड मस्ट बी सप्लाई विद फूड टू अवॉइड देयर डेफिशिएंसी। तो इसलिए हमें ऐसे एसेंशियल पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो हम बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकते, तो उसमें हमें उनको हम अपने फूड की फॉर्म में लेते हैं जिससे डेफिशिएंसी को दूर किया जा सके। लाइनोलेनिक एंड आर्केडोनिक एसिड्स आर एसेंशियल फैटी एसिड फॉर मैन। मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द एसेंशियल फैटी एसिड इज 4। फॉस्फोलिपिड आर मेन कंस्टिट्यूंट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिकॉज दे कंटेन बोथ पोलर एंड नॉन पोलर पोर्शन। तो जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मेन कंस्टिट्यूएंट की फॉर्म है, मेन कंटेंट होता है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बनी हुई होती है फॉस्फोलिपिड की हेल्प से बनती है, तो उसमें दोनों पार्ट प्रेजेंट होते हैं, पोलर और नॉन पोलर पोर्शन। दे मे बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप, स्फिंगो फॉस्फोलिपिड्स और ग्लाइकोलिपिड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टर्म्स। स्फिंगो फॉस्फोलिपिड क्या होती है, दीज आर कॉम्प्लेक्स फैमिली ऑफ कंपाउंड दैट इज फॉस्फोरिक एसिड विद अमीन एल्कोहल 4 स्फिंगामीन और स्फिंगोसिन इंस्टेड ऑफ ग्लिसरॉल इन एडिशन टू फैटी एसिड एंड क्लोरीन। तो ग्लिसरॉल की जगह पर हमें फैटी एसिड और क्लोरीन मिलती है। ग्लाइकोलिपिड दीज कंटेन्स स्फिंगोसिन एल्कोहल विद ए फैटी एसिड एंड मोनोसैकेराइड शुगर यूजली गैलेक्टोज ग्लूकोज एक्सेट्रा। एग्जाम्पल है सेरिब्रोसाइट्स एंड गैंग्लियोसाइट्स, है ना, ब्रेन वाले पोर्शन है। सेरिब्रोसाइट दे आर द ग्लाइकोलिपिड विद ग्लैक्टोज, ये एक्चुअल में क्या ग्लाइकोलिपिड है जिसमें क्या मिलेगा, प्रेजेंट क्या होगा, ग्लैक्टोज हैज़ ए मेन शुगर, समटाइम्स ग्लूकोज मे बी फाउंड। दे आर एविडेंट इन द माइलिन शीथ ऑफ द नर्व्स एंड वाइट मैटर ऑफ ब्रेन। तो जो ब्रेन का वाइट मैटर होता है उसमें सेरिब्रोसाइट प्लस जो आपकी नर्व शीथ होती है, माइलिन शीथ ऑफ नर्व्स, वहाँ पे भी सेरिब्रोसाइट होता है। गैंग्लियोसाइट कहाँ मिलेगा, दे आर मेड अप ऑफ स्फिंगोसिन और डाई हाइड्रो स्फिंगोसिन फैटी एसिड ग्लूकोज ग्लैक्टोज एन एसिटाइल ग्लैक्टोसामीन एंड सियालिक एसिड। दे आर इन्वॉल्व इन द आयन ट्रांसपोर्ट एंड फॉर्म रिसेप्टर फॉर द वायरल पार्टिकल एंड टॉक्सिन्स। इनकी हेल्प कहाँ, ये क्या कर रहे हैं, आयन्स के ट्रांसपोर्ट में और रिसेप्टर फॉर वायरल पार्टिकल्स एंड टॉक्सिन, इनमें ये काम करते हैं, जैसे क्लोरोटॉक्सिन। लैकेथिन इज ए फॉस्फोलिपिड, इट इज़ अ एक्सलेंट इमल्सीफाइंग एजेंट विच इज़ प्रोड्यूस कमर्शली फ्रॉम सोयाबीन ग्लाइसिन मैक्स सीड एक्सेट्रा। स्टेरॉइड्स आर डेरिवेटिव ऑफ 4 मेंबर ड्रिंक नोन हैज ए फिनेथ्रीन। ओके, अ डाइट रिच इन सैचुरेटेड फैटी एसिड वन ऑफ द सेवरल फैक्टर्स दैट मे बी कंट्रीब्यूट टू द ह्यूमन कार्डियोवैस्कुलर डिसीज नोन एज एथेरोस्क्लेरोसिस। अ लेयर ऑफ फैट बीनीथ द स्किन इंसुलेट द बॉडी, मतलब बॉडी को गर्म करने का काम करती है ये वाली फैट। दिस सबकुटेनियस लेयर इज स्पेशली थिक इन व्हेल्स, सील एंड मोस्ट ऑफ अदर मराइन मैमल्स। ओके, जो समुंदर में जो हमें मैमल्स मिलते हैं उनके अंदर ये एक थिक लेयर के फॉर्म में होती है, जिसे हम सब कोटेनियस लेयर भी बोल सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल इज इनसॉल्युबल इन वाटर, राइट, एंड केमिकली इन अनरिएक्टिव, इट इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम एसिटाइल कोएंजाइम ए और एसीटेट इन लीवर। तो याद रखना कि इसे एसिटाइल कोएंजाइम ए और लीवर के अंदर एसीटेट की हेल्प से बनाया जाता है। फाइटोएस्टेरॉल इज स्टेरॉइड फाउंड इन द प्लांट्स। कोलेस्ट्रॉल कंटेंट इज मिनिमम इन द वेजिटेबल ऑयल। डायोजिनेनिन इज स्टेरॉइड ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट कॉल्ड डायोएस्कोरिया, इट इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग एंटी फर्टिलिटी पिल्स की फॉर्म में इसका यूज़ होता है। एनिमल हार्मोन सच एज एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरल कॉर्टिकॉइड एक्सेट्रा आर स्टेरॉइड्स। ठीक, ये सारे क्या होते हैं, स्टेरॉइड्स होते हैं विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द कोलेस्ट्रॉल। तो इन सब की फॉर्मेशन में कोलेस्ट्रॉल मेन पार्टिसिपेशन देता है। बाइल साल्ट्स जो लीवर से सिक्रेट होता है, बाइल जूस, आर डेरिवेटिव ऑफ द कोलेस्ट्रॉल, ये भी कोलेस्ट्रॉल का बना है, विच आर सिंथेसाइज्ड इन द लीवर। दे हेल्प इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये फैट के इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है इंटेस्टाइन की। सेप्रोनिन आर ग्लाइकोसाइड हैविंग स्टेरॉइड्स, एग्जाम्पल सेप्रोनोजिनिन, विच फॉर्म वेन देयर वाटरी सोल्यूशन इन द शेकन। सेप्रोनिन आर ग्लाइकोसाइड हैविंग स्टेरॉइड्स, एग्जाम्पल सेप्रोनोजिनिन,
विच फॉर्म फॉर्म विद देयर वाटर सोल्यूशन हैज़ शेकन। अगर आप इसे हिलाएंगे तो वाटरी सोल्यूशन के अंदर झाग सा बन जाएगा। दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्लांट्स, एग्जाम्पल सेपनोनेरिया क्विलाजा। दे कैन डिजोल्व आर बी सी विन हाई डायलूशन। प्रोस्टाग्लैंडिन आर डेरिवेटिव ऑफ द आर्किडोनिक एसिड एंड अदर C20 फैटी एसिड्स विच हैव सेवरल फंक्शन लाइक वैसोडाइलेशन, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, ब्रोंकियोकॉन्स्ट्रिक्शन, एसिड प्रोडक्शन इन स्टमक, सेल कम्युनिकेशन एंड हार्मोन मॉड्यूलेशन। इन मोस्ट फंजाई आर्गोस्टेस्ट्रॉल रिप्लेस कोलेस्ट्रॉल इन द सेल मेम्ब्रेन। आर्गोस्ट्रॉल इनहिबिटर्स आर एंटी फंगल कंपाउंड, राइट। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ लिपिड। लिपिड के क्या क्या काम है। वैक्सेज एंड ऑयल आर सिक्रेटेड ऑन द सरफेस टू प्रोवाइड द वाटर प्रूफिंग इन प्लांट एंड एनिमल्स। तो ये प्लांट और एनिमल को वाटर प्रूफ सरफेस प्रोवाइड करवाते हैं। फैट अब्जॉर्ब शॉक्स, ऑर्गन्स दैट आर प्रोन टू बम्प एंड शॉक्स एग्जाम्पल किडनी आर कुशन्ड विद अ रिलेटिवली थिक लेयर ऑफ फैट। ठीक। लिपिड आर ए सोर्स ऑफ मेटाबॉलिक वाटर ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। स्टोर्ड लिपिड आर मेटाबोलाइज फॉर एनर्जी प्रोड्यूसिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। लिपिड कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम 5 कार्बन कंपाउंड आइसोप्रीन आर कॉल्ड टर्पीन। कितने कार्बन का? 5 कार्बन का। आइसोप्रीन एंड इट्स डेरिवेटिव आर ज्वाइन इन द वेरियस कॉम्बिनेशन टू प्रोड्यूस सब्सटेंस सच एज विटामिन ए एंड कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड आर आइसोप्रीनॉइड हाइड्रोकार्बन्स, अ प्लांट पिगमेंट कंटेनिंग 40 कार्बन एटम्स। नेचुरल रबर इज पॉलीटर्पीन। तो याद रखें कि हमारा नेचुरल रबर कौन है? पॉलीटर्पीन। अब बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड की। न्यूक्लिक एसिड आपको पता बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल के न्यूक्लियस में जितना भी जेनेटिक मटेरियल होता है वो न्यूक्लिक एसिड की हेल्प से बनता है। दे आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलके क्या बनाते हैं? न्यूक्लिक एसिड, एंड हैंस नोन हैज ए पॉली न्यूक्लियोटाइड्स। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, और न्यूक्लियोटाइड्स जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलते हैं तो क्या किसकी फॉर्मेशन होती है? न्यूक्लिक एसिड की। अ मॉलिक्यूल ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज कंपोज ऑफ 3 स्मॉल मॉलिक्यूल। तो जो न्यूक्लियोटाइड है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजनस बेस। द फॉस्फेट ग्रुप इज रिप्रेजेंटेड बाय फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। द शुगर मॉलिक्यूल इन द न्यूक्लियोटाइड इज 5 कार्बन पेंटोज शुगर, राइट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अदर राइबो शुगर C5H10O5 और डी ऑक्सीराइबोज C5H10O4। बोथ शुगर हैव फ्यूरानेज रिंग स्ट्रक्चर। तो इसमें कौन सा हमें मिलता है? फ्यूरानोज रिंग स्ट्रक्चर मिलता है दोनों केसेस के अंदर, दोनों शुगर के अंदर, चाहे वो RNA की बात कर रहे हो चाहे DNA की बात कर रहे हो। द टू टाइप ऑफ द नाइट्रोजन बेस आर प्रेजेंट, प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन की याद करने याद रखने के लिए बात को याद रखें, डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है तो विच हैव डबल रिंग स्ट्रक्चर, और पिरिमिडिन विच हैव सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। इनका प्यूरिन का जो स्ट्रक्चर होता है जैसे एडनिन और गोनिन का, उसमें डबल रिंग मिलती है, और पिरिमिडिन यानी कि थाइमिन, यूरेसिल और साइटोसिन, इनमें आपको सिंगल रिंग स्ट्रक्चर मिलेगा। तो प्यूरिन आर ऑफ 2 टाइप, एडनिन एंड गोनिन, और पिरिमिडिन आर 3 टाइप, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। ये सारे सारे क्या? नाइट्रोजनस बेस है। दी नाइट्रोजन बेस मालिक्यूल इज अटैच टू द शुगर मालिक्यूल बाय ग्लाइकोसाइटिक बॉन्ड। ये तो ये याद रखने वाली बात है कि शुगर की अटैचमेंट बेस के साथ किस बॉन्ड के थ्रू होती है? ग्लाइकोसाइटिक बॉन्ड। अ कॉम्बिनेशन ऑफ द नाइट्रोजनस बेस विद शुगर इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। तो जब नाइट्रोजनस बेस और शुगर आपस में जुड़े हों, फॉस्फोरस अभी है नहीं यहाँ पे, तो उन दोनों कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड इन्वॉल्विंग राइबो शुगर आर कॉल्ड द राइबो न्यूक्लियोसाइड्स। अगर राइबो शुगर है तो वो न्यूक्लियोसाइड क्या होगा? राइबो न्यूक्लियोसाइड। और सिमिलरली अगर डीऑक्सीराइबोज उसमें ऐड है तो क्या कहलाएगा? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड फॉर्म्ड बाय द राइबो न्यूक्लियोसाइड्स आर कॉल्ड राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लियोटाइड कैसे बनते हैं? जब राइबो न्यूक्लियोसाइड्स आपस में जुड़ जाते हैं तो उन्हें कहते हैं राइबो न्यूक्लियोटाइड। दे आर फॉर्म द मोनोमर ऑफ राइबोस न्यूक्लिक एसिड RNA। न्यूक्लियोटाइड फॉर्म्ड बाय द डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड्स आर कॉल्ड डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड। सिंपल सी बात है, दे फॉर्म द मोनोमर्स ऑफ डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पर जो मोनोमर्स बन रहा है, एक सिंगल जो आपके पास न्यूक्लियोटाइड बन रहा है उसे आप क्या बोलोगे? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। और यहाँ RNA के केस में बोलोगे राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो ये हमारे पास एक न्यूक्लियोसाइड है, ये न्यूक्लियोसाइड है और ये न्यूक्लियोटाइड है। टाइड कब है? जब आपके पास साइड में सिर्फ आपके पास बेस, और ये बेस है और ये शुगर होगी, और टाइड के केस में आपके पास बेस, शुगर और फॉस्फोरस अमाउंट होगा। तो ये हमारे पास राइबोन्यूक्लियोसाइड है, ये राइबोन्यूक्लियोटाइड है, ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड है और ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। तो आपको याद कर ले, सिंपल सी बात है, एडिनोसिन, साइटिडीन, गुआनोसिन, यूरिडीन, है ना।
तो ये राइबोन्यूक्लियोटाइड्स में एडिनाइलिक एसिड वो हो सकते हो आप उसको, साइटिडिनिक एसिड, गुआनिलिक एसिड और यूटिलिक एसिड कह सकते हो। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड के अंदर इसे कहते हैं डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सी साइटिडीन, डीऑक्सी गुआनोसिन, डीऑक्सी थाइमिडीन। ये याद रखना, इसमें यूरेसिल यूज़ होता है और यहाँ पर थाइमिडीन। जब आरएनए की बात करोगे तो वहाँ यूरेसिल यूज़ होता है और यहाँ पर थाइमिन। और अगर आप डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स की बात कर रहे हो तो ये डीऑक्सी एडिनिलिक एसिड, डीऑक्सी साइटिलिक एसिड, डीऑक्सी गुआनिलिक एसिड और डीऑक्सी थाइमिडिनिलिक एसिड होगा। अब बात करते हैं सबसे पहले डीएनए की, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इट इज़ अ जेनेटिक मटेरियल, ओके, इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट वायरस वेयर जेनेटिक मटेरियल मे बी आइदर डीएनए और आरएनए। तो सभी के अंदर आपको क्या मिलेगा, डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल मिलेगा, लेकिन वायरस के केस में आपको जेनेटिक मटेरियल दोनों को भी मिल सकता है, डीएनए भी और आरएनए भी। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए इज फाउंड इन द साइटोप्लाज्म, कुछ अमाउंट जो डीएनए का वो आपको साइटोप्लाज्म में मिल सकता है, और वो कहाँ मिलेगा, इन सेल ऑर्गेनिल्स, जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो आपके सेल ऑर्गेनिल्स हैं उनके अंदर, कहाँ कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, नोन एज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए, और इसे आप क्या वो किस नाम से पुकारोगे, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए। यूरेसिल न्यूक्लियोटाइड्स आर एब्सेंट इन द डीएनए, में यूरेसिल नहीं होता, ओके। द डीएनए मॉलिक्यूल इज कंपोज्ड ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स, यहाँ आपको दो स्ट्रैंड्स मिलते हैं, कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड होते हैं, जो हेलिकल स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। दिस स्ट्रक्चर इज वेल एक्सप्लेन बाय द डबल हेलिक्स मॉडल प्रपोज बाय द वाटसन और क्रिक ने इस मॉडल को प्रपोज किया था 1953 के अंदर। द टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स आर कॉइल्ड, है ना, एक दूसरे के कॉइलिंग एक दूसरे पे की होती है इन्होंने, दोनों स्ट्रैंड ने एक दूसरे के ऊपर, अराउंड ईच अदर लाइक अ स्पाइरल स्ट्रेकेस, डबल हेलिक्स, ओके। द क्रॉस रंग्स और स्टेप्स आर फॉर्म्ड बाय द नाइट्रोजनस बेसिस, वाइल द फॉस्फेट एंड शुगर्स फॉर्म द अपराइट्स। तो मतलब एक्चुअली में वो कहता है कि इसमें क्या होगा, जो नाइट्रोजनस बेस है वो जैसे एक सीढ़ी होती है, सीढ़ी के बीच में जो जहाँ पैर रखने के लिए जो स्टेयर बने होते हैं ना, वो बनाने का काम कौन करता है, नाइट्रोजनस बेस। और फास्फेट और शुगर ये एक तरीके का बैकबोन तैयार कर रही है उसके लिए। टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स रन इन अपोजिट डायरेक्शन, एंटी पैरेलल होते हैं, ओके। दोनों चेन जो दोनों स्टैंड्स होते हैं वो एंटी पैरेलल होते हैं। वन चेन रन 3' टू 5' डायरेक्शन, और दूसरी जो चेन होती है वो 5' से 3' डायरेक्शन में रन करती है। द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द टू चेन, बीटा डीएनए की बात करें तो 20 एंगस्ट्रम होते हैं, ठीक। वन फुल टर्न ऑफ द हेलिक्स, एक पूरा घुमाव, एक पूरा चक्कर काटने में हेलिक्स में कितना काइल, जिसे हम गायरी भी कहते हैं, मैयर 34 एंगस्ट्रम इन लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव शुगर मॉलिक्यूल, दो सक्सेसिव शुगर के बीच में डिफरेंस कितना होता है, 3.4, ये कह सकते हो दो सीढ़ियों के बीच में, है ना, जो दो स्टेप होते हैं उनके बीच में 3.4 एंगस्ट्रम का। थस ईच गायरी एकोमोडेट 10, इस प्रकार एक पूरा जो हमारे पास हेलिक्स होता है उसके अंदर आपको 10 न्यूक्लियोटाइड्स मिल जाएंगे। ये सिर्फ बीटा डीएनए के केस में ये रखना, क्योंकि टाइप अलग अलग, डीएनए के भी टाइप अलग अलग होते हैं, आगे देखेंगे हम। द नाइट्रोजनस बेस ऑफ द टू अपोजिट चेन्स एग्जिबिट हाईली स्पेसिफिक बेस पेयरिंग, सबकी अपनी अपनी होती है। अ प्यूरिन इज वन चेन ऑलवेज पेयर विद पिरिमिडीन इन अपोजिट चेन, तो ये रखना हमेशा प्यूरिन, एक प्यूर एक साइड अगर एक प्यूरिन बेस लगा होगा तो दूसरे साइड पिरिमिडीन के साथ अटैच होगा, ठीक, अपोजिट चेन के अंदर। तो अब बात करते हैं हम कंपेरिजन ऑफ मेजर फॉर्म ऑफ डीएनए। ये है टाइप एड, ये कह सकते हो आप, ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए और जेड डीएनए। तो ये याद रख, ये जो चार्ट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, इसमें टीजीटी में तो आ जाते हैं और पीजीटी में भी यहाँ से आते हैं, ठीक। ये नेट के हिसाब से, अगर आप सीएसआईआर नेट भी देना चाहते हो, जैसे अभी फॉर्म आज रिलीज आउट हो गए हैं, तो उसमें भी नेट के अंदर भी इस जगह से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। बेस पेयर पर टन ऑफ हेलिक्स, अगर ए डी एन ए तो आपको 11 न्यूक्लियोटाइड्स मिलेंगे, मतलब 11 जो बेस पेयर है वो मिलेंगे आपको, यहाँ पर 10 मिलेंगे। सी डी एन ए के अंदर 9.3 मिलते हैं, डी डी एन ए के अंदर 8 मिलेंगे और जेड डी एन ए के अंदर 12 मिलेंगे। टिल्ट ऑफ बेस पेयर यहाँ 20.2 डिग्री का है, यहाँ पर 6.3 डिग्री का है, यहाँ -7.8 डिग्री का है, यहाँ -16.7 डिग्री का है और यहाँ पर 7 डिग्री का है। एक्सियल राइज 2.56 एंगस्ट्रम की, 3.37 एंगस्ट्रम की, 3.32 एंगस्ट्रम की, 3.03 की, यहाँ पर 3.7 एंगस्ट्रम की। हेलिकल डायमीटर की बात करें तो 23 एंगस्ट्रम, यहाँ 19 का, यहाँ भी 19 डिग्री, इसका नो डाउन नहीं, यहाँ पे 18 एंगस्ट्रम। हैंडेडनेस ऑफ द डबल हेलिक्स, तो ये बताया हुआ कि घुमाव किस साइड को है, ए डी एन ए में राइट हैंडेड है, बी डी एन ए का राइट हैंडेड है, इसका भी राइट हैंडेड है, राइट हैंडेड है और लास्ट वाला जेड डी एन ए लेफ्ट हैंडेड। तो ये आपने याद रखनी है, ठीक है, ये याद रखने वाली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें हेलिकल डायमीटर है और बेस पर कितने होते हैं एक हेलिक्स के अंदर और हैंडेडनेस कौन सी है ना।
अमंग प्यूरीन एडिनिन पेयर्स ओनली विद द पिरिमिडीन, है ना। ये तो हमेशा पता है कि एडिनिन हमेशा किसे ए जो है वो टी से बनाएगा और वाइस वर्सा टी हमेशा ए के साथ पेयर बनाएगा। सिमिलरली ग्वानिन जी पेयर विद ओनली विद साइटोसिन सी एंड वाइस वर्सा। देर आर टू वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन ए एंड टी, एडिनिन और थाइमिन के साथ दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं एंड थ्री वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन जी और सी और जी एंड सी, है ना। तो इनके बीच में थ्री हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं और इनमें दो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। टोटल अमाउंट ऑफ द प्यूरिन इज इक्वल टू द टोटल अमाउंट ऑफ पिरिमिडीन। ये तो नॉर्मल यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जितना अमाउंट प्यूरिन का होगा उतना ही पिरिमिडीन का होगा, यानी ए प्लस डी इज इक्वल टू सी प्लस डी। द टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल आर नॉट आइडेंटिकल टू इच अदर बट कम्प्लीमेंट्री, ये एक जैसे नहीं होंगे लेकिन कम्प्लीमेंट्री होंगे। द फैक्ट दैट टोटल अमाउंट ऑफ द प्यूरिन विल बी इक्वल टू द टोटल अमाउंट ऑफ पिरिमिडीन वॉज फर्स्ट इनकुलेटेड बाय द चारगाफ, जिसे चारगाफ का रूल भी कहते हैं 1950 में बताया था कि इन्होंने क्या बताया कि जितना प्यूरिन होगा उतना ही अमाउंट किसका होगा पिरिमिडीन का होगा। द डीएनए स्ट्रैंड विच सर्व एज ए टेम्पलेट फॉर डीएनए सिंथेसिस इज नोन एज ए टेम्पलेट स्ट्रैंड, मतलब जो डीएनए का स्टैंड टेम्पलेट की तरह काम कर रहा है, मतलब इस काम में होता है कि आरएनए की फॉर्मेशन होती है, तो उस स्टैंड को हम क्या कहते हैं टेम्पलेट स्टैंड, है ना, या माइनस स्टैंड और सेंस स्टैंड भी कहते हैं। इट इज कम्प्लीमेंट्री स्टैंड इज नेम्ड नॉन इट्स कम्प्लीमेंट्री स्टैंड इज नेम नॉन टेम्पलेट स्टैंड प्लस स्टैंड और एंटी सेंस, जो नहीं करता को टेम्पलेट की तरह बिहेव उसे इस नाम से पकड़ते हैं नॉन टेम्पलेट प्लस स्टैंड और एंटी सेंस स्टैंड। डीएनए के फंक्शन की बात करें, इट इज़ अ जेनेटिक मटेरियल इन ऑल प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, इट इज़ कैपेबल ऑफ रिप्लिकेशन थ्रू विच इट कैन बी फेथफुली पास टू ऑन टू द सक्सेसिव जनरेशन, यही जाता है एक जनरेशन दूसरी जनरेशन। डीएनए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए की फॉर्म में जाती है। इट इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ आरएनए, इट प्रोवाइड द कोड फॉर प्रोटीन बायोसिंथेसिस, इट इज़ इन्वॉल्व इन द म्यूटेशन एंड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन विच ब्रिंग अबाउट वेरिएशंस। तो वेरिएशन जो सारे के सारे आते हैं, मतलब आपने देखा होगा कि एक प्रोजेनी अपने पेरेंट्स से डिफरेंट होती है कुछ बातों में, जैसे हम भी अगर हम अपने पेरेंट्स से कुछ ना कुछ बातों में स्पीशीज हमारी सेम है, लेकिन फिर भी हमारे और हमारे पेरेंट्स में वेरिएशन, हमारे और हमारे पेरेंट्स के बीच में बहुत सारे वेरिएशन आते हैं, और वो वेरिएशन क्यों आते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और म्यूटेशन की वजह से। अब बात करते हैं हम आरएनए की। इट अकर मोस्टली इन द साइटोप्लाज्म इन द यूकैरियोटिक सेल, राइट, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ अकर इन द न्यूक्लियस of the cell has a constituent of nucleolus. RNA is a single polynucleotide chain composed of nucleotide of adenine, guanine, cytosine and uracil. Thymine nucleotides are absent. इसमें thymine नहीं होता, thymine की जगह पे कौन होता है uracil. There are three type of the RNA, that is ribosomal RNA means rRNA, messenger RNA means mRNA and transfer RNA means tRNA. तो जो ribosomal rRNA है और mRNA, इनकी formation होती है हमेशा nucleus के अंदर, और जो tRNA है ये भी कहाँ, इसकी फॉर्मेशन भी कहाँ होगी न्यूक्लियस के अंदर। लेकिन जो फंक्शन की अगर हम बात करें तो टीआरएनए का काम क्या है, एक्टिवेटेड अमीनो एसिड को लाने का, है ना, काम ये कहाँ लेकर आते हैं राइबोसोम के ऊपर, और राइबोसोम आरएनए का काम ही क्या है राइबोसोम को बनाना, और मैसेंजर आरएनए का काम है जो भी प्रोटीन सिंथेसिस का जो जानकारी है सारी इन्फॉर्मेशन है वो डीएनए से साइटोप्लाज्म में लेके आना। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं हम आगे, कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट आरएनए। तो कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए, तो ये हमारे पास दिए हुए एक आरआरएनए, मैसेंजर आरएनए और टीआरएनए, इनको देख लेते हैं। तो क्या होता है आरआरएनए, अ टाइप ऑफ मॉलिक्यूल दैट कंबाइन विद सर्टेन प्रोटीन्स टू फॉर्म द राइबोसोम, द स्ट्रक्चरल वर्क बेंच ऑन विच अ पॉलीपेप्टाइड चेन इज असेंबल्ड। तो ये आरआरएनए क्या है एक्चुअल में, ये क्या है, ये आपस में मिलके क्या बनाते हैं विद सर्टेन प्रोटीन टू फॉर्म द, इनका काम है राइबोसोम की फॉर्मेशन करना आरआरएनए की, राइट, और ये एक तरीके से बेंच तैयार करते हैं जहाँ पर पॉलीपेप्टाइड चेन को असेंबल किया जाता है। पॉलीपेप्टाइड चेन क्या होती है, प्रोटीन की फॉर्मेशन की जाती है यहाँ पर, ठीक। और उसके अलावा एमआरएनए क्या है, ये ब्लूप्रिंट है आ लीनियर सीक्वेंस ऑफ द स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड दैट इज डिलीवर्ड टू द राइबोसोम फॉर ट्रांसलेशन इनटू ए पॉलीपेप्टाइड चेन। तो एमआरएनए क्या है, एक ब्लूप्रिंट है, मतलब ये एमआरएनए जो डीएनए है वो सारी इन्फॉर्मेशन एमआरएनए को दे देता है ना, जेनेटिक कोड की फॉर्म में, जिसके पास सारे के सारे कोड होते हैं और वो राइबोसोम पर आके प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं। टीआरएनए क्या है, एन एडेप्टर मॉलिक्यूल, इट कैन पिक अप वन टाइप ऑफ अमीनो एसिड एंड पेयर विद एमआरएनए कोड वर्ड अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ थ्री बेसिस कॉलिंग फॉर दैट अमीनो एसिड। तो ट्रांसफर आरएनए क्या करता है, ये अमीनो स्पेसिफिक अमीनो एसिड को पकड़ पकड़ के लाता है और कहाँ लाता है, राइबोसोम के पास, और वहाँ पर ये फिर क्या करती है, पॉलीपेप्टाइड चेन बनती जाती है ना। आगे बात करते हैं परसेंटेज ऑफ द
टोटल आरएनए ऑफ द सेल ये 80% है, ये 3 to 5% है और 10 to 20% है। सेडिमेंटेशन कॉफिशेंट की बात करें कितने कितने आरएनए से बने, इसमें 20s, 18s, 5.8s, 5s, 23s, 16s ये सब इससे मिलकर बने होते हैं। ये जो है आपके पास जो मैसेंजर आरएनए है वो 8s से, और जो ट्रांसफर आरएनए है उसमें 3.8s लगा होता है सब यूनिट। नंबर ऑफ़ द न्यूक्लियोटाइड्स की बात करें तो 5s आरएनए में 120 न्यूक्लियोटाइड्स लगे होते हैं 16.18s के अंदर, ठीक है, और 16.818s आरएनए में 1600 से 2500 न्यूक्लियोटाइड्स लगे होते हैं, 2328s आरएनए के अंदर 3200 से 5000 न्यूक्लियोटाइड्स लगे होते हैं, ई कोलाई में 900 से 1500 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, और जो हमारा ट्रांसफर आरएनए टीआरएनए वहाँ पे आपको 73 से 93 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। मॉलिक्यूलर वेट की बात करें 20 इसका इतना मॉलिक्यूलर वेट होता है 30s आरएनए का, इसका 1.1 × 10⁶ और इसका 30s आरएनए का 0.55 × 10⁶ होता है। एमआरएनए की बात करें तो ये 5 लाख के आसपास, और ट्रांसफर टीआरएनए की बात करें तो 25,000 से 30,000 के आसपास। अनयूजुअल बेसिस का स्मॉल अमाउंट ऑफ द मिथाइलेटेड बेसिस मिलते हैं आपको यहाँ पे, एक के अंदर पर 100 to 150 न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं, यहाँ पर कुछ थोड़ा सा अमाउंट मिलता है अनयूजुअल बेसिस का, यहाँ हाई कंटेंट अनयूजुअल बेस मिलते हैं, एक के अंदर आपको 30 से 40 न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे। साइट ऑफ सिंथेसिस ये कहाँ बनेगा, ड्राइव फ्रॉम द न्यूक्लियर डीएनए ना, न्यूक्लियस के अंदर ही फॉर्मेशन होती है, सिंथेसाइज इन द न्यूक्लियस ऑन डीएनए टेम्पलेट राइट, और सिंथेसाइज इन द न्यूक्लियस ऑन डीएनए टेम्पलेट। बिगनिंग ऑफ सिंथेसिस, सिंथेसिस बिगन एट द गैस्ट्रोलेशन एंड इंक्रीज एज डेवलपमेंट प्रोसीड, तो जो आपका आरआरएनए है वो गैस्ट्रोलेशन पीरियड में स्टार्ट हो जाता है इसका फॉर्मेशन, ठीक, और जो मैसेंजर आरएनए है सम मैसेंजर आरएनए इज फाउंड इन द ओवम, न्यू एमआरएनए इज सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग द अर्ली क्लीवेज, क्लीवेज के टाइम ही, और ये एमआरएनए जो ओवम जो सब कुछ जो एमआरएनए है वो हमें ओवम के अंदर भी मिला है, और जो टीआरएनए सिंथेसिस अगर एट द एंड ऑफ द एडाप्टर फॉर अटैचिंग अमीनो एसिड टू क्लीवेज स्टेजेस। बेस ऑफ रिलेशनशिप ऑफ डीएनए, नो ऑब्वियस बेस रिलेशनशिप टू डीएनए आरएनए इज फॉर्म फ्रॉम ओनली स्मॉल सेक्शन ऑफ डीएनए राइट, एमआरएनए शोज बेस रिलेशनशिप टू डीएनए, इट इज़ फॉर्म फ्रॉम ऑल सेक्शन ऑफ द डीएनए राइट, सेम हैज़ इन आरआरएनए। फंक्शन की बात करें, हेल्प इन द प्रोटीन सिंथेसिस ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, कन्वे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम राइबोसोम वेर इट टेक पार्ट इन द प्रोटीन सिंथेसिस राइट, और अडेप्टर फॉर द अटैचिंग अमीनो एसिड टू द एमआरएनए टेम्पलेट, तो ये अडेप्टर की तरह काम करता है ताकि अमीनो एसिड को अटैच कर सके एमआरएनए टेम्पलेट में। अब हम बात करते हैं एंजाइम्स की, एंजाइम क्या होते हैं, द टर्म एंजाइम वॉज कॉइंड बाय कुहन 1878 में, सबसे पहले इन्होंने ये वर्ड नाम दिया। देर आर अप्रॉक्सीमेटली 3000 एंजाइम्स प्रेजेंट इन ए सेल, सेल के अंदर लगभग कितने मिलते हैं आपको 3000। द मॉलिकुलर वेट ऑफ द एंजाइम्स रेंज फ्रॉम 10,000 टू मोर देन 1 लाख डाल्टन। एंजाइम जाइमेज वॉज डिस्कवर्ड बाय द बुचनर, ही वॉज अवार्डेड नोबल प्राइज इन 1907 फॉर हिज स्टडी बेस्ड ऑन ईस्ट एक्सट्रैक्ट राइट। अप्रॉक्सीमेटली ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, राइबोजाइम और आर एक्सेप्शन, बींग प्रोटीन्स दे आर कोडेड बाय द डीएनए। एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट हैविंग प्रोमिनेंट एक्टिव साइट्स, दीज आर वेरी एफिशिएंट, दैट इज वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ द कैटलिस्ट ब्रिंग अबाउट द चेंज ऑफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट। दे आर हाईली स्पेसिफिक, दैट इज एन एंजाइम विल जनरली कैटलाइज ओनली वन सिंगल रिएक्शन। मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर कैटलाइज रिएक्शन, दीज आर नो अनकैटलाइज्ड मेटाबॉलिक कन्वर्शन इन द लिविंग सिस्टम राइट। द कॉन्स्टेंट मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ द बायोमालिक्यूल इन लिविंग सेल्स थ्रू द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड द मेटाबॉलिज्म। ईच ऑफ द मेटाबॉलिक रिएक्शंस रिजल्ट इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द बायोमालिक्यूल्स। द फ्लो ऑफ मेटाबोलाइट्स थ्रू द मेटाबॉलिक पाथवे हैज़ ए डेफिनेट रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्शन। दिस मेटाबॉलिक फ्लो इज कॉल्ड द डायनेमिक स्टेट ऑफ द बॉडी कंस्टिट्यूएंट। एंजाइम आर ऑल्सो यूज फॉर थेरेप्टिक मीन टू ट्रीट डिसीज, बीमारियों को ठीक करने में भी इसका इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल, स्ट्रिप्टोकाइनेज इज यूज टू क्लीनिंग ब्लड क्लॉट इन साइड द ब्लड वेसल्स। परोक्सीडेज इज स्मॉलेस्ट एंजाइम, डाइएस्टेज इज द अर्लीस्ट नोन एंजाइम, और कैटालेज इज ए नोन परिप्रीन और एंटी एजिंग एंजाइम। तो ये याद रखने वाली बात है कि सबसे छोटा एंजाइम कौन सा है, परोक्सीडेज, और अभी नया नया कौन सा मिला है, डाइएस्टेज, और एंटी एजिंग एंजाइम कौन सा है, कैटालेज। अब बात करते हैं कोफैक्टर की। एंजाइम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और सेवरल पॉलीपेप्टाइड चेन्स, द कोफैक्टर आर बाउंड टू द एंजाइम्स टू मेक द एंजाइम्स कैटालिटिकली एक्टिव, मतलब वो एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाता है कौन,
कोफैक्टर्स, थ्री काइंड ऑफ द कोफैक्टर्स में भी आइडेंटिफाइड हैज ए प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम एंड मेटल आयंस। तो हमें तीन प्रकार के कोफैक्टर मिल सकते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम और मेटल आयंस। तो अ कंप्लीट एंजाइम इज़ कॉल्ड होलो एंजाइम। जब सारी चीज़ें लगी होती हैं इसमें कोफैक्टर है ना, और आपका प्रोस्थेटिक ग्रुप और मेटल आयंस लगे हो, तो उस एंजाइम को हम क्या बोलेंगे, होलो एंजाइम। इट कंसिस्ट ऑफ एपो एंजाइम एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप, राइट। एंजाइम्स आर थर्मोलेबाइल, मतलब टेम्परेचर से सेंसिटिव होते हैं, टेम्परेचर सेंसिटिव है, एम्फोटेरिक, कोलाइडल एंड सबस्ट्रेट स्पेसिफिक। हर किसी के लिए अलग अलग, सबस्ट्रेट के लिए अलग अलग एंजाइम होता है। इफ़ वर्किंग इनसाइड द सेल इन विच दे आर प्रोड्यूस, तो दे आर कॉल्ड द एंडो एंजाइम। अगर उसी सेल में बने और वहीं इनसे इस्तेमाल हो रहे हैं तो एंडोजाइम बोलेंगे। एंजाइम सिक्रेट आउटसाइड द सेल एंड एक्ट ऑन एक्सटर्नल मीडिया आर कॉल्ड द एक्सो एंजाइम। मोस्ट ह्यूमन एंजाइम्स फंक्शन बेस्ट विद इन रिलेटिव नैरो टेम्परेचर रेंज बिटवीन दी 35 to 40, 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये अच्छा काम करते हैं, क्लोज टू बॉडी टेम्परेचर। बिलो दिस टेम्परेचर रेंज द बॉन्ड दैट डिटरमाइंड एंजाइम शेप आर नॉट फ्लेक्सिबल इनफ टू परमिट the induced fit change, sometimes necessary for the catalysis. Above this temperature range the bond are too weak to hold the enzyme's peptide chain in the proper position. The bacteria that live in hot spring have enzymes which are stronger bonding between the peptide chains and therefore can function at temperature of 70 degree centigrade or higher. The temperature coefficient 0 to 10 of enzyme is 2 to 3 within optimum range, that is rate of reaction increase from 2 to 3 times फॉर 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीमेंट, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं कैटेगरी ऑफ द कोफैक्टर्स, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम और मेटल आयंस। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप की क्या प्रॉपर्टी है, दीज आर ऑलवेज ऑर्गेनिक इन नेचर, वन थिंग, एंड टाइटली बाउंड टू द एपो एंजाइम। एग्जाम्पल, हीम इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड इज ए पार्ट ऑफ एक्टिव सेट ऑफ कैटालेज एंजाइम विच हाइड्रोलाइज H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को वाटर और ऑक्सीजन में तोड़ देता है। कोएंजाइम ऑलवेज ऑर्गेनिक नेचर एसोसिएट विद द एपो एंजाइम ओनली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कैटालिसिस, जनरली डिराइव्ड फ्रॉम विटामिन्स, एक्ट हैज ए कैरियर ऑफ केमिकल ग्रुप और एटम और इलेक्ट्रॉन्स। एग्जाम्पल क्या, इसका FAD फ्रॉम राइबोफ्लेविन B2 फॉर सक्सिनेट डिहाइड्रेज, और NAD फ्रॉम नियासिन B5 फॉर मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, और TPP फ्रॉम थाइमिन B1 फॉर डीकार्बोक्सिलेज। मेटलाइन और ऑलवेज इनऑर्गेनिक इन नेचर फ्रॉम ए फंक्शनल पार्ट ऑफ एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स विद साइड चेन एट द एक्टिव साइट। एग्जाम्पल क्या है, आयरन साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, कैटालेज, परऑक्सीडेज, मैग्नीशियम हेक्सोकाइनेज, ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेज, पायरुवेट काइनेज, कॉपर साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, जिंक, कार्बोनिक डिहाइड्रोजिनेज, एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, मॉलिब्डेनम नाइट्रोजिनेज और निकल यूरिएज, है ना। अब बात करते हैं एक्शन ऑफ सम सिलेक्टेड एंजाइम। एंजाइम हमारे पास है पेप्सिन, स्टमक में होता है, क्या काम करता है, डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन, पीएच, किस पीएच पे काम करता है, 2। एसिड फॉस्फेटेज ये प्रोस्टेट के अंदर होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर। रिमूवल ऑफ द फॉस्फेट ग्रुप काम करता है 5.5 पीएच के ऊपर। सलाइवरी एमाइलेज सलाइवा के अंदर मिलता है, डाइजेशन ऑफ स्टार्च करता है, 6.8 पीएच पे काम करेगा। लाइपेज पैंक्रियाटिक जूस के अंदर मिलता है और डाइजेशन ऑफ फैट, फैट की डाइजेशन करता है, 7 पीएच पे काम करता है। एल्कलाइन फॉस्फेटेज बोन के अंदर, रिमूवल ऑफ द फॉस्फेट ग्रुप 9 पीएच पे काम करता है। ट्रिप्सिन पैंक्रियाटिक जूस के अंदर, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन 9.5 के ऊपर काम करता है। मोनो एमीन ऑक्सीडेज नर्व एंडिंग्स, रिमूवल ऑफ एमीन ग्रुप फ्रॉम नॉर एपिनेफ्रिन, ये 9.8 पे काम करता है। नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन, कैसे हम इसका क्लासिफिकेशन करेंगे एंजाइम्स का। एंजाइम्स आर नेम्ड बाई एडिंग ए सफिक्स एज, इसमें किसी भी वर्ड के एंड में एज वर्ड जोड़ना पड़ता है, टू द रूट वर्ड ऑफ द सबस्ट्रेट ऑन विच दैट एंजाइम्स एक्ट। तो एंजाइम ने जिस सबस्ट्रेट के ऊपर काम करना होता है उस सबस्ट्रेट के एंड में हम एज वर्ड जोड़ देते हैं। एग्जाम्पल लाइपेज है, जैसे एज लगा हुआ है यहाँ पे, तो ये फैट हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम है। सुक्रेज ब्रेकिंग डाउन द सुक्रोज, राइट। समटाइम्स द एंजाइम्स आर नेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ द रिएक्शन दैट दे आर कैटलाइज, जिस टाइप की रिएक्शन हो रही हो उसके बेसिस पे भी हम नाम डाल सकते हैं, जैसे पॉलीमरेज एड इन पॉलीमराइजेशन, मतलब ये नंबर को इंक्रीज कर रहा है। डीहाइड्रोजनेज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम। सम एंजाइम्स हैव बीन नेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स फ्रॉम विच दे आर फर्स्ट आइडेंटिफाइड, जहाँ सबसे पहले मिले थे, जैसे पापियान फ्रॉम पपाया,
द नेम ऑफ सम एंजाइम्स एंड विद एन इन इंडिकेटिंग दैट दे आर बेसिकली प्रोटीन्स, पेप्सिन, ट्रिप्सिन एक्सेट्रा. तो ये क्या होते हैं, प्रोटीन के बने हुए होते हैं. थॉमस एच एंड सिडनी अल्टमान वर अवार्डेड नोबेल प्राइज़ फॉर द डिस्कवरी ऑफ एंजाइमेटिक एक्टिविटी ऑफ राइबो न्यूक्लियस, राइबो एंजाइम. दे आर नॉन प्रोटीनिशियस एंजाइम. मेनली एंजाइम्स आर क्लासिफाइड इनटू सिक्स कैटेगरी. तो ये जो राइबो एंजाइम है वो क्या, नॉन प्रोटीनिशियस है. बाकी जितने भी एंजाइम है तो प्रोटीनिशियस नेचर के होते हैं. अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स. तो हमारे पास कितने ग्रुप हैं, ऑक्सीडो रिडक्टेज, ट्रांसफरेज एंजाइम, हाइड्रोलेज, आइसोमेरेज, लाइएज और लाइगेज, सिंथेटेज भी कहते हैं इसको. रिएक्शन क्या काम है ऑक्सीडो रिडक्टेज का, ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम और इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन सब्सट्रेट टू अनदर. वो कौन होते हैं, ऑक्सीडो रिडक्टेज, जो ऑक्सीजन का या हाइड्रोजन का रिमूव ट्रांसफर करें एक सब्सट्रेट से दूसरी जगह. एग्जाम्पल है डीहाइड्रोजिनेज ऑक्सीडेज. ट्रांसफरेज, ट्रांसफर ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ फॉस्फेट और मिथाइल एक्सेट्रा फ्रॉम वन सब्सट्रेट टू अनदर, ये कहते हैं ट्रांसएमिनेज काइनेज. हाइड्रोलेज, हाइड्रोलाइसिस ऑफ द सब्सट्रेट, एस्ट्रियाज डाइजेस्टिव एंजाइम. आइसोमेरेज, चेंज ऑफ द मॉलिकुलर फॉर्म ऑफ द सब्सट्रेट, फॉस्फोहेक्सो आइसोमेरेज, फ्यूमेरेज. लिएजेस, नॉन हाइड्रोलाइटिक रिमूवल ऑफ ग्रुप ऑफ एडिशन ऑफ ए ग्रुप टू ए सब्सट्रेट, है ना. डी कार्बोक्सिलेज, हाइड्रोलेज. लाइगेज, सिंथेटेज, ज्वाइनिंग ऑफ द टू मॉलिक्यूल बाय द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू बॉन्ड. सिट्रिक एसिड सिंथेटेज. नेक्स्ट बात करते हैं कैसे काम करते हैं एंजाइम्स, मैकेनिज्म ऑफ द एंजाइम एक्शन. एंजाइम पोजेस एक्टिव साइट वेयर द रिएक्शन टेक प्लेस, दीज हैव ए स्पेसिफिक शेप. तो उनके पास एक विशेष एक्टिव साइट होती है एंजाइम्स के पास, जहाँ पर रिएक्शन सारी वो होगी कंप्लीट. दीज हैव ए स्पेसिफिक शेप, उसका पर्टिकुलर डिज़ाइन होता है उस साइट का, है ना. एंजाइम्स रिमेन अनअल्टर्ड अप टू द एंड ऑफ द केमिकल रिएक्शन, देयरफॉर इट कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन. तो एंजाइम जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तो इनकी कोई चेंज नहीं आता एंजाइम के अंदर, इसलिए आप दोबारा उसको यूज़ कर सकते हो. एंजाइम वर्क बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, ये एक्टिवेशन जो कम कर देते हैं एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट रिएक्शन, मींस जो एनर्जी स्टार्ट होने के लिए चाहिए उसको लोअर डाउन कर देते हैं. एन एंजाइम कंबाइन विद इट सब्सट्रेट टू फॉर्म ए शॉर्ट लिव्ड एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स. जब कोई एंजाइम किसी सब्सट्रेट का जुड़ता है तो कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है, जिसे कहते हैं एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स, विच ब्रेक अप इनटू प्रोडक्ट एंड एंजाइम्स. ओनली अ स्मॉल पोर्शन 4 to 12 अमीनो एसिड्स ऑफ ए लार्ज एंजाइम मॉलिक्यूल कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सब्सट्रेट, दिस पोर्शन इज कॉल्ड द एक्टिव साइट. तो एंजाइम का वो हिस्सा जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आता है सब्सट्रेट के साथ, उसे कहते हैं एक्टिव साइट. फिशर 1918 सजेस्टेड द लॉक एंड की हाइपोथेसिस, टेम्परेरी थ्योरी फॉर द एंजाइम एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिसिटी. तो उन्होंने ये थ्योरी दी थी लॉक एंड की वाली. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द एंजाइम्स हैज ए पर्टिकुलर शेप लॉक इन टू विच पर्टिकुलर सब्सट्रेट की फिट. कॉशलैंड 1950 प्रपोज द इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस, दिस स्टेट दैट कॉम्बिनेशन ऑफ ए सब्सट्रेट विद एंजाइम इंड्यूस दी चेंजेस इन द एंजाइम सब्सट्रेट स्ट्रक्चर विच इनेबल द एंजाइम टू परफॉर्म इट्स कैटालिटिक फंक्शन इफेक्टिवली, राइट. ऑन इंक्रीजिंग द सब्सट्रेट कंसंट्रेशन द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ ए गिवन कंसंट्रेशन ऑफ एन एंजाइम विल इंक्रीज टू अप्रोच मैक्सिमम रेट यानी वी मैक्स. जैसे जैसे आप सब्सट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो कैटालिटिक एक्टिविटी बढ़ती जाएगी. द सब्सट्रेट कंसंट्रेशन एट विच द केमिकल रिएक्शन अटेन हाफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी इज कॉल्ड द मिशेल मेंटेन कॉन्स्टेंट, KM इसको बोलते हैं. कि जब सब्सट्रेट की जो कंसंट्रेशन है जिस पर कोई भी केमिकल रिएक्शन का जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाए, हाफ इट्स मैक्सिमम की हाफ हो जाए, उसे कहते हैं मिशेल मेंटेन कॉन्स्टेंट. EC नंबर इज कॉल्ड एंजाइम कमीशन नंबर, इट गिव्स ए कोड नंबर टू एंजाइम विच इज 4 digit. फर्स्ट डिजिट ऑफ EC नंबर डिनोट द क्लास, सेकेंड डिजिट डिनोट सब क्लास, थर्ड डिजिट डिनोट दी सब क्लास एंड फोर्थ वन इज डिनोट एंजाइम्स नंबर इन सब क्लास, राइट. स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम इज ड्यू टू द एपोएंजाइम पोजीशन. तो एंजाइम की जो स्पेसिफिसिटी वो डिपेंड किस पे करती है, एपोएंजाइम की पोजीशन पे. एपोएंजाइम इज ए प्रोटीन कंपोज्ड ऑफ अल्फा अमीनो एसिड यूनिट. टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ द एंजाइमेटिक प्रोटीन इज फोल्डेड इन सच अ वे हैज टू क्रिएट ए रीजन कॉल्ड एक्टिव साइट, राइट. That has correct molecular dimension and topology to accommodate and bind with a specific substance. Enzyme useful in hydrolyzing fat and lipid are known as a esterases. Diagnostic value of some enzymes. तो alkaline phosphatase क्या करता है, obstructive jaundice, Paget disease, osteous deformance and carcinoma of bone. Acid phosphatase क्या करता है, benign hypertrophy of prostate and cancer of prostate.
ये जो जितनी बन जाए इनकी, जब आपकी कंसंट्रेशन एबनॉर्मल हो जाएगी उस वजह से जो डिसीज निकलेंगी, एमाइलेज पेंक्रियास्टिस एंड परफोरेटेड पेप्टिक अल्सर, एल्डोलेज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, क्रिएटिनिन काइनेज और क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज CPK, CPK का फुल फॉर्म क्या, क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एंड मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ये सारी डिसीज़ है। लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस LDH, माइक्रोकार्डियल इन्फेक्शन, लेवर डिसीज़, रीनल डिसीज़ और प्रीनिशियस एनीमिया, ये किडनी से रिलेटेड है रीनल डिसीज़। फिर है ट्रांसएमिनेज, माइक्रोकार्डियल इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस एंड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। दीज आर सम एंजाइम्स विच आर हैव स्लाइटली डिफरेंट मोलिकुलर स्ट्रक्चर बट एग्जर्ट सिमिलर कैटालिटिक एक्शन। सच एंजाइम्स आर कॉल्ड आइसो एंजाइम्स और आइसो एंजाइम। मोर देन 100 आइसो एंजाइम्स हैव बीन आइडेंटिफाइड। द एंजाइम्स लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज LDH इन ह्यूमन स्केलेटल मसल्स हैव 5 आइसो एंजाइम्स, राइट। अब बात करते हैं कि क्या क्या फैक्टर इफेक्ट डालते हैं एंजाइम की एक्टिविटी पे, कौन कौन सा फैक्टर। द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम कैन बी अफेक्टेड बाय अ चेंज इन द कंडीशन व्हेन कैन आल्टर द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। जैसे प्रोटीन की टर्शरी स्ट्रक्चर में चेंज आएगा तो एंजाइम की एक्टिविटी में भी चेंज आएगा। जैसे कौन कौन कर सकता है चेंज, सब्सट्रेट की कंसंट्रेशन, एंजाइम कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और pH और रिडॉक्स पोटेंशियल। तो सब्सट्रेट की कंसंट्रेशन कैसे इफेक्ट डालती है, एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ए सब्सट्रेट टू ए मैक्सिमम एंड देन इट लेवल ऑफ एंजाइम कंसंट्रेशन। इन जनरल द रेट ऑफ द रिएक्शन विल इंक्रीज विद इंक्रीजिंग द एंजाइम कंसंट्रेशन, राइट, ड्यू टू द एबिलिटी ऑफ मोर एक्टिव साइट फॉर रिएक्शन, टेम्परेचर और pH। इन मोस्ट एंजाइमेटिक रिएक्शन राइज ऑफ 10 डिग्री सेंटीग्रेड इन द टेम्परेचर डबल्स द रेट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन 5 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड। एंजाइम्स आर डीनेचर्ड सेकेंडरी एंड अबव लेवल ऑफ द स्ट्रक्चर डिग्रेडेड। डीनेचर मतलब काम करना बंद कर देते हैं एट ए हायर टेम्परेचर ड्यू टू देयर ब्रूटल नेचर एंड रेट ऑफ रिएक्शन ड्रॉप। रिडॉक्स पोटेंशियल, एंजाइम्स आर सेंसिटिव टू रिडॉक्स पोटेंशियल ऑफ द सेल। मैनी एंजाइम्स आर अफेक्टेड बाई रिडॉक्स पोटेंशियल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजेबल SH ग्रुप, सल्फर हाइड्रोजन ग्रुप। एंजाइम इनहिबिशन, कैसे एंजाइम इनहिबिट होते हैं, रिडक्शन और स्टॉपेज ऑफ एंजाइम एक्टिविटी ड्यू टू द सर्टेन एडवर्स कंडीशन और केमिकल इज कॉल्ड द एंजाइम इनहिबिशन। का काम करना रुक जाना ही क्या कहलाता है, एंजाइम इनहिबिशन हो जाता है, वो चाहे केमिकल के थ्रू हो सकता हो या किसी कंडीशन की वजह से। एंड द केमिकल विच इंटरफेयर और इनहिबिट द प्रोसेस आर कॉल्ड द इनहिबिटर। एंजाइम इनहिबिशंस कैन बी फॉलोइंग टाइप, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन और फीडबैक इनहिबिशन। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या होता है, इट इज़ रिवर्सिबल प्रोसेस ड्यू टू द सब्सट्रेट और एंजाइम एनालॉग इन विच KM इंक्रीज बट वी मैक्स रिमेन द सेम। ये याद रखने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होगा, आपका जो के मैक्स है, आपका जो KM है वो क्या हो रहा है, जो आपका मिशेल मेंटेन कांस्टेंट था KM है ना, वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, बट जो वी मैक्स है वो सेम रह रहा है। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में इन दिस इनहिबिटर फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स विद एंजाइम अदर देन इफेक्टिव साइट एंड वी मैक्स डिक्रीज, यहाँ पर आपका वी मैक्स धीरे धीरे कम होता जाएगा। फीडबैक इनहिबिशन में क्या हो रहा है, वेयर द एंड प्रोडक्ट और मीडिएट इंटरमीडिएट फंक्शंस आर टेम्परेरी इनहिबिटर विच कंबाइन विद ए रेगुलेटरी साइट आल्सो नोन एज ए एलोस्टेरिक साइट ऑफ एंजाइम एंड थस फंक्शन ऑफ नेगेटिव मॉड्यूलेटर, दिस इज आल्सो कॉल्ड एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन, राइट। तो कॉम्पिटिटिव में क्या हो रहा है कि एक इसमें एक्चुअली में होता क्या है कि एनालॉग एंजाइम का कोई एनालॉग एक और कोई आ गया साथ में, उसी की तरह बिहेव कर रहा है तो कंपटीशन दे रहा है। नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या है कि यहाँ पर जो कोई और जो इनहिबिटर फॉर्म एक मतलब सबस्ट्रेट और एंजाइम का कॉम्प्लेक्स बना था लेकिन एंजाइम किसी और के साथ ही कॉम्प्लेक्स बना ले तो उसे कहते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव। फीडबैक इनहिबिशन में क्या है कि जो एंड प्रोडक्ट होता है वही आप इन मतलब जो इंटरमीडिएट रिएक्शन के दौरान जो बने हैं तो वो एंड प्रोडक्ट अंदर आके दोबारा से मतलब आपकी रिएक्शन का जो एंड प्रोडक्ट है वही आपको इनहिबिट कर रहा है आपके काम को, तो वो होता है फीडबैक इनहिबिशन में, ठीक। तो बीइंग लार्ज साइज प्रोटीन मॉलिक्यूल एंजाइम एग्जिस्ट एज ए कोलाइड, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल चेंज पर मिनट इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड द टर्नओवर नंबर, दैट इज 36 मिलियन फॉर कार्बोनिक एनहाइड्रेज, 5 मिलियन फॉर कैटालेज। तो इस तरीके से आज हमने एंजाइम टॉपिक भी कंप्लीट किया। तो हमने आज जो टॉपिक हमारा चल रहा था बायो मॉलिक्यूल एंड एंजाइम ये कंप्लीट कर लिया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जब हमारा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा तो हम इसके क्वेश्चंस भी आगे सॉल्व आउट करेंगे। नेक्स्ट हम अब चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे या टॉपिक सेल साइकिल एंड सेल डिविजन्स। थैंक यू सो मच।